पाकिस्तानियों गया खत्म, टाटा बाय बाय, वर्ल्ड कप से बाहर। चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जुबा पे स्वाद रखना। अरे बाप तो बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, पाकिस्तानियों तुम्हारा अब क्या होगा। अब दुबई की टिकट तुम कटवा लो, सीधा अब यहाँ भारत वानखेड़े स्टेडियम में अगर मैच देख रहे हो तो देख लेना, नहीं तो मुंबई में से सीधा दुबई की टिकट कटवाना फ्लाइट की। एक वही दिन था जब 10 नवंबर 2022 जब तुम लोगों ने यार, जब भारत यार इंग्लैंड से 170 रन नहीं बचा पाई थी, तब तुम लोगों ने कितना किया था कि एडिलैंड से सीधा मुंबई की टिकट। आज तुम लोग पाकिस्तान की टिकट चाहे दुबई की टिकट कटवा लो। जिस टीम को श्रीलंका अफगानिस्तान हरा गए, वो टीम से यार तुम हार गए भाई, इंग्लैंड से यार इतनी बेकार हार भाई, 337 रन का टारगेट वो नहीं तुमसे चेस हो पाया भाई 50 ओवर में। तुमसे क्या हो गया यार पाकिस्तानियों, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई। ये वनडे की नंबर वन टीम थी भाई भारत के पहले, जब भारत नंबर वन बना था ना, अभी तो नंबर टू पे है, लेकिन यार परफॉर्मेंस देख रहे हो भाई, जिम्बाब्वे से भी बेकार। गुड गुड आई लाइक इट। साला इससे अच्छा तो जिम्बाब्वे खेल जाता है यार इस वर्ल्ड कप में भाई, जिस तरह ये परफॉर्मेंस खेल के गया है भाई, इससे अच्छा तो इसका भाई अफगानिस्तान खेल गया भाई, 4 मैच कम से कम जीता। 2019 वर्ल्ड कप एक भी मैच नहीं जीता था, 2023 में देखिए भाई 4 मैच जीता, जिसमें इंग्लैंड को इसने हराया भाई, श्रीलंका को हराया यार। सही बात है भाई, पाकिस्तान हक दिया, पाकिस्तान जैसे लग ही नहीं रहा भाई खेलने आया, वो बस यार इस वर्ल्ड कप को भाई वो मजाक बनाने आया है भाई, वो और कुछ नहीं भाई। सही बात है, वर्ल्ड कप से पहले यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ऐसा ऐसा बोला जा रहा था कि भाई वर्ल्ड कप जीत के लेके जाएंगे, 33 करोड़ रुपया जीत के लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ तो यार 80-82 लाख के भी लायक नहीं है तुम सपना देख रहे थे वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे भाई, जिस टीम को हर टीम ने पेला उस टीम से तुम पेला गए। बाबर आजम गोबर आजम है भाई, गोबर आजम यार, उनके बैट से रन नहीं निकलते, उससे अच्छा तो यार आज हरीश रौफ मार के चला गया 35-36 रन, कम से कम हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश तो कर रहा था बाबर आजम, टुक 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 टुक। शाबाश, पक्का दोगला है तू। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है अगर फकर जवान 30 ओवर तक चल गए ना तो पक्का हम ये मैच जीत जाएंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, न्यूजीलैंड को क्वालिफाई होने से रोक देंगे। भाई यार तुम सपना भी ऐसा देखो जो कंप्लीट हो सके भाई, कुदरत का इंजाम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, कुदरत का इंजाम हर टीम के साथ रहेगा, जो मेहनत करेगा उसके साथ रहेगा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सब नसीब से नहीं हो जाता भाई, मेहनत भी करना पड़ता है, तुम्हारी टीम की बास के बात नहीं, तुम लोगों को चाहिए प्रोटीन और क्या, हैदराबाद बिरयानी चाहिए और चाहिए आटा टमाटर, तो ये सब से थोड़े होगा, कम से कम मेहनत करना होगा, जिम में पसीने बहाने होंगे, प्रैक्टिस नेट सेशन में पसीना बहाना होगा। सही बात है, ये सब तुम्हारे पास की बात है नहीं कि तुम पसीना बहा लो, तुमको बीफ चाहिए, बीफ खाओ, अच्छे अच्छे से बीफ खाना, इंजॉय करना, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच देखना और ऑस्ट्रेलिया वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच देखना। पाकिस्तानियों जानते हो तुम अभी भी क्वालिफाई हो सकते हो, वो कैसे, सेमीफाइनल में मैच देख के, और कैसे भाई सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो सकते हो वो जानते हो कैसे, टिकट खरीद लेना सेमीफाइनल का फिर चले जाना मैच देखना, तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई तो रहोगे कम से कम। भाई पाकिस्तान ने यार टॉस जीतने से पहले कुछ इस तरह सोच रहा था भाई अपनी टीम मीटिंग में, हमारी रणनीति यही होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इतनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, इतनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए कि उनकी पूरी टीम जीरो में आउट हो जाए, फिर क्या, हमें सिर्फ एक ही रन बनाना होगा, वो हम आसानी से बना सकते हैं और हम जीत जाएंगे। लेकिन बेचारा इंग्लैंड को यार 0 रन पे आउट ही नहीं कर पाया भाई, अपना यार खुद 244 रन पे ऑल आउट हो गया, तोबा तोबा तोबा, एंड यार 344 रन बनाए भाई 7 विकेट पे, तुम तो यार 244 रन पे ऑल आउट हो गए बेचारा पाकिस्तान। कोई बात नहीं पाकिस्तान, तुम नहीं से तुम्हारा बाप जीतेगा वर्ल्ड कप, तुम्हारा बाप को सपोर्ट करना, तुम्हारा बाप भारत न है भाई। अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में भाई भारत न्यूजीलैंड को फेटे मारेगा, जिस तरह 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को मारा था, लेकिन ये होम ग्राउंड बाबू न्यूजीलैंड, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वानखेड़े स्टेडियम में मैच होगा, वहाँ रोहित शर्मा का बल्ला लाजवाब बोलेगा, लाजवाब, वहाँ सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी मारेगा भाई, श्रीलंका के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी डबल सेंचुरी है, इस बार यार न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रोहित शर्मा डबल सेंचुरी मारेंगे, इस वर्ल्ड कप में एक ही ना डबल सेंचुरी हुआ ग्लेन मैक्सवेल का, दूसरा रोहित शर्मा का
पक्का है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई। हम इंडियन फैंस से गुजारिश, जो जो एयरपोर्ट पे रहेंगे ना भाई, पाकिस्तानियों को देखना भाई, सारा सामान चेक करवाना ही, वो आशीर्वाद वाला आटा लेके ढो के लेके चले जाएंगे, क्योंकि यार उसके देश पाकिस्तान में भाई आटा वटा की बहुत कमी चल रही है, तो लेके नहीं जाने देना है भाई, जूते चप्पल लेके जाने देना है, जूते चप्पल का माला पहनाना उनको, क्योंकि वो अपना बेटा है भाई, बेटे को माला नहीं भाई, उसको जूते चप्पल का माला पहनाना चाहिए। बेटा बीख ऐसे पाता है भाई, जैसे उसके यार बाप दादा बहुत कुछ करके गए हो, लेकिन यार बाप तो कुछ बहुत कुछ करके गए, लेकिन दादा नहीं ना किया है, बाप तो भारत में है भाई। पाकिस्तानियों आप लोग को घबराना नहीं है, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हारा बाप तुम्हारा बदला लेगा। भाई इंग्लैंड है पिछले 3 मैच जिस तरह परफॉर्म किए ना भाई, अगर उस तरह यार ये वर्ल्ड कप के शुरू में परफॉर्म करते तो भाई वो भी इंग्लैंड यार टॉप 4 में रहते, लेकिन खैर भाई किस्मत का कुछ ही और ही मंजूर था भाई, किस्मत का निजाम हर टीम के साथ दे रहा था इंग्लैंड को छोड़ के। बात तो सही है। ध्यान देखो नीदरलैंड भी 2 मैच जीत गया, और यार अफगानिस्तान 4 मैच जीत गया भाई, बांग्लादेश मैच जीत गया, और यार इंग्लैंड यार एकदम घटिया खेल रहे थे, लेकिन यार पाकिस्तान को हराया, नीदरलैंड को हराया, और शुरू में बांग्लादेश को हराया था धर्मशाला में। गांड फटे तो फटे, नबाबी ना घटे। आज भाई लग रहा था कि इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है भाई साहब, आज लग रहा था, और बॉलिंग कर रहा है भाई जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान की पार्टनरशिप, फिर यार जो रूट और बेन स्टॉक की पार्टनरशिप भाई गजब कर रहा भाई, आज जॉनी बेयरस्टो भाई 8 मैच छोड़ के आए थे, 9वें मैच में भाई हाफ सेंचुरी उन्होंने जड़ा है। शाबाश भाई ये परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी सोच रहे हैं भाई ये परफॉर्मेंस तुमको हमारे ही खिलाफ देना चाहिए था यार, तुमको 10-12 रन पे ऑल आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन यार ना ही रे, तुम तो यार मेरा भी इज्जत डुबा दी, अपना खुद डूबे ही। हम तो डूबेंगे सर, हम साथ तुमको भी ले डूबेंगे, यही कहानी लैंड की भाई, अगर हम डूबे हैं तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। सही बात है। शुरू में भाई ईडन गार्डन में इतना बॉल स्विंग हो रहा था कि भाई बैट्समैन के तो यार चांद चांद दिख रहा था भाई, लेकिन भाई 3-4 ओवर ना, 5वें ओवर से जो जॉनी बेयरस्टो ने शुरू कर दिया ना धोना, साहिल अफरीदी, हरीश रॉफ और यार वसीम जूनियर पर गए रोना, उनकी आँख से आंसू गए आ गया भाई, जिस तरह यार धो रहे थे जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान। अब पाकिस्तान को यार सीरीज करना चाहिए जिम्बाब्वे से, नीदरलैंड से, चाहे यार ग्रीनलैंड से, इन तीनों से अगर सीरीज करा तो भाई तुम टीम जीतोगे और तुम फिर नंबर 1 ओडीआई टीम बन जाओगे। भाई साहब जब से यार भारत से हारा है ना पाकिस्तान, तब से यार पाकिस्तान की पनौतियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, लगातार 4 मैच हारा वो उनका गाड़ मार ले गया, और फिर यार आज इंग्लैंड से यार वो भी मरा गया भाई पाकिस्तान। बाबर आजम की कैप्टनसी में जानते हैं भाई तुम लोगों ने कितना वर्ल्ड कप हारा है भाई, बता रहे हैं 2021 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारा, 2022 में यार देखो एशिया कप में हारे, T20 वर्ल्ड कप में हारे, और 2023 में देखो भाई वर्ल्ड कप से ही बाहर, 2023 के यार एशिया कप यार एलिमिनेटेड भी नहीं हुए, 2023 वर्ल्ड कप में भाई एलिमिनेटेड ही नहीं हुए। अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना भाई, कम से कम सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई हो जाते, तब बाहर जाते थोड़ी मोड़ी इज्जत रहती, लेकिन तुम तो यार सेमीफाइनल में जाना ही नहीं चाहते ना एशिया कप में ना यार वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान भाई श्रीलंका से उम्मीद लगा के बैठा था कि यार श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा जाएगी तो यार हम क्वालिफाई कर देंगे, इंग्लैंड से जीत जाएंगे, यही इंग्लैंड से तुम तो घंटा जीते भाई, अगर श्रीलंका क्वालिफाई भी हरा भी जाता ना न्यूजीलैंड को तब भी तुम क्वालिफाई नहीं होता, नेट रेट फिर तुमको हटा देता, जिस तरह तुम्हारा आज परफॉर्मेंस रहा भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इसीलिए कहते हैं भाई मेहनत करो, दूसरे पे निर्भर ना रहो भाई, पाकिस्तान हमेशा दूसरे पे ही निर्भर थे, 2022 T20 वर्ल्ड कप देखो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच में पाकिस्तान निर्भर था, अगर नीदरलैंड हराता तो साउथ अफ्रीका बाहर होती है, पाकिस्तान क्वालिफाई होता, उसी तरह हुआ उस मैच में, नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा गया, पाकिस्तान क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन इस बार 2023 का वर्ल्ड कप नहीं ना होगा भाई, तुम बाप दुश्मनी लेके बैठे हुए हो तो यार बाप तो तुम्हारा होने नहीं देगा, चाहे पूरा ही स्क्रिप्टेड हो लेकिन यार तुमको क्वालिफाई नहीं होने देगा भाई। तुम सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी हो जाते ना तब भी तुमको भारत यार मौका मार के बाहर कर देता, क्योंकि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल होता, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का नाम होता, तो फिर पाकिस्तान को मौका मारता। क्योंकि यार तुम्हारी औकात नहीं भाई इंडिया के सामने रहने की,
तुम हमेशा नीचे थे, नीचे हो और नीचे हमेशा रहोगे। झुक के रहना पड़ेगा भारत के सामने, क्योंकि भारत तुम्हारा बाप है। बाप 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 को भारत को बेटा बाप। गुड गुड आई लाइक इट। खैर दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको यार पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच कैसा लगा। दोस्तों मेरे को बहुत मस्त लगा भाई, क्योंकि पाकिस्तान बाहर गया जो। आप कमेंट में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों।